आज ग्राम बिशंभर खेड़ा में हम पहुंचे हैं, जहां पे हालत ये है रास्ते के लेकर जो है यहां के ग्रामीण लोग इतना परेशान है, इतना ज़्यादा दिक्कत में है। आइए इन लोगों से बातचीत करते हैं। यहां की महिलाएं कुछ लोग आ गए हैं बिशंभर खेड़ा गांव की, इनसे बातचीत करते हैं और जरा यहां की जो स्थिति है इनसे बातचीत कर इनसे पूछते हैं क्या मामला है पूरा। भैया जरा इधर नज़दीक आ जाइए। दादी सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या है? कामिनी। कामिनी दादी ये बताइए जो ये जो यहाँ पे कुनिया बनी हुई है ये किस प्रकार की है, कैसी है? बोरिंग। अच्छा ये बोरिंग के, तो ये जो रास्ता छोड़े हैं आप लोग घर बनाकर जो है, तो ये रास्ता कैसा छूटा हुआ है? आप लोग अपनी सहमति से छोड़े हैं कैसे? अच्छा तो यहाँ पे एक बुजुर्ग दादी आ गई। दादी ये बताइए इसमें कितने बच्चे गिर चुके हैं आपके जाने जूना में, कितने जानवर गिरे हैं? क्या जानवर गिरे? एक गाड़ी लेकर आवा नशेबाज हम गिरेगा तो निकाल। अरे वो तो रोड के किनारे कोई भी सामने से बनाइए रास्ते को जरा दिखाते हुए चलिए। अच्छा ये बताइए शासन प्रशासन से हमारे मुख्यमंत्री योगी जी से आप क्या कहना चाहते हैं हमारे मीडिया के माध्यम से? ये बना चाहे। अच्छा ये बननी चाहिए। हाँ। ये जो कुइयां है जरा दिखाइए नजदीक से, इधर रास्ता दिखाते हुए चलिए कितनी गहरी कुइयां है। जो कि मामला ये है यहाँ पर देखिए ये कुइयां है भैया, यहाँ कोई भी गिर सकता है। करीब ये 25-30 फुट गहरी है कुइयां। यहाँ पे ये रास्ता है, यहाँ पे छोटा सा रास्ता है 2 फीट का रास्ता। अगर ये इसका शासन प्रशासन द्वारा से अगर कुछ हो जाए तो लोगों का काम चल जाएगा। इधर आइए कुछ लोग आए हैं यहाँ के ग्रामीण लोग, इनसे बातचीत करते हैं। दादी ये बताइए आपका नाम क्या है? पार्वती। दादी ये इस बात को लेकर आप कभी प्रधान से कहें? प्रधान से भी कहने, प्रधान भी नहीं मान रहे हैं और बाकी प्रधान भी सब कुछ बुलाने, मतलब ये खेत वाले ये सबको बुला के मिना कर देते हैं। अच्छा ये बताइए दादी जब ये लोग आप जगह छोड़े हैं तो बनने में क्या दिक्कत आ रही है? हम ये जगह अपने में छोड़े हैं, जब इनसे कह रहे हैं ये गड्ढा पाट दी दिया। यहाँ की ग्राम पंचायत क्या है? अल्दमपुर। प्रधान का क्या नाम है? अतुल नाम है। अच्छा अतुल। दादी ये बताइए कि जो यहाँ की तहसील है बीकेटी है? हाँ। और ब्लॉक भी बीकेटी है। हाँ, इनौरा। अच्छा इनौरा है ना। तो दादी ये बताइए आप शासन प्रशासन से क्या कहना है? देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं पढ़ने जाते हैं। बेटा ये बताइए इसमें कितनी बार गिरे हैं आप लोग? डर नहीं लगता? अच्छा ये बच्चे गिर जाएंगे, हमारी लड़की है जो एक गिर जाएंगी, हमें खेत वाले हमारी लड़की वापस देंगे? कोई नहीं देगा, कोई हमारे बच्चे हमको वापस दे देंगे। गड्ढा मैंने कह रहा इस पे स्लेब डाल दीजिए, तो हमारे बच्चे का कोई डर नहीं है। और जो यहाँ पानी भर जाता है तो हमारे बच्चे गिरने के लिए डर है और हरहा गोरु भी गिर जाते हैं। हमको आप लोग बहुत संघर्ष करते हैं, बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सामना भी करता उनका खेत वाले से कह रहा, वो कह रहा जोन मन है तो करिए। अच्छा हमारी इधर नाली भी है। अच्छा नाली का निर्माण यहाँ होना चाहिए, बाकी ये जो रास्ता है नाली भी है, नाली है, चक्रवात है, सब कुछ है। लोग नहीं दे रहे हैं दबंगई के कारण। हाँ मैं नहीं दे रहे हैं। किसका है? भोगाई का है। गांव भी सब खेड़ा ही के हैं रहने वाले। इधर भैया थोड़ा रास्ते को दिखा दे। यहाँ पे देखिए गांव के जो लोग हैं। बेटा तुम्हारा क्या नाम है? शिवांग। ये बताइए ये कुइयां कितने दिन से, इसमें कितने बच्चे गिर जा चुके हैं? 5-6 लोग। तेज बोलिए आवाज तेज में। 5 लोग। 5 लोग। अच्छा जानवर कितने गिरे हैं लगभग इस कुइयां में? अच्छा तो ये बताइए मुख्यमंत्री जी से योगी जी से आप क्या कहना चाहते हैं, ये रास्ता बनना चाहिए और बनना चाहिए।